हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा अगेन विथ यू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हमने सेकेंड वेव ऑफ कोरोना को क्रॉस किया है। इस सेकेंड वेव के दौरान बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, कुछ लोग बिल्कुल ठीक होकर घर आ गए, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको भले ही माइल्ड कोरोना हुआ होगा पर वो अभी भी पूरी तरह से ठीक महसूस नहीं कर रहे होंगे। कुछ ऐसे सिम्टम्स या फिर कुछ ऐसी तकलीफ उनको अभी भी फेस करना पड़ रहा होगा जो कि आफ्टर इफ़ेक्ट ऑफ कोरोना हो सकता है। और ये जो आफ्टर इफ़ेक्ट होता है कोरोना का, इन सिम्टम्स को हम बोलते हैं पोस्ट कोरोना सिम्टम्स या फिर पोस्ट कोविड सिंड्रोम, और ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ ताकि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो वो टाइमली एक्शन ले सके। तो अब पोस्ट कोविड सिंड्रोम हम कब बोलेंगे? जब आपको कोरोना हुआ होगा और उस समय से लेकर 12 हफ्तों के बाद भी अगर आपको कुछ सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, तो उसकी सिचुएशन को हम बोलेंगे पोस्ट कोविड सिंड्रोम। अभी जो मैंने कहा कि कुछ सिम्टम्स आपको अभी भी महसूस हो रहे होंगे, तो उनमें ये कुछ सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो उनमें कुछ सिम्टम्स आपको ये हो सकते हैं कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, आपको सांस लेने में दिक्कत हो, आपके दिल की धड़कनें तेज चलती हों, या फिर आपके जॉइंट में पेन हो, मसल पेन हो, आपको हेडेक हो, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट आपका अभी भी कंटिन्यू हो रहा हो, कफ, चेस्ट पेन या फिर फटीग, ये सारे फीचर्स होते हैं पोस्ट कोरोना सिम्टम्स के या फिर सिंड्रोम्स के। कोरोना जब से आया है तब से हमने यही सुना है कि कोरोना लंग्स को बेसिकली अफेक्ट करता है। ये बात सही है कि कोरोना लंग्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, पर दूसरे ऑर्गन भी हमारे स्पेयर नहीं रहते। कोरोना अगर आपको होता है तो वो लंग्स के साथ साथ आपके बाकी ऑर्गन को भी डैमेज करता है, और ये बाकी ऑर्गन अगर आपके डैमेज हो जाते हैं कोरोना होने के दौरान तो उसका लॉन्ग टर्म रिस्क इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ पे रहता है। तो इसीलिए हमें टाइमली एक्शन लेना चाहिए कोरोना होने के बाद। अब चूंकि सबसे पहले मैंने ये कहा कि लंग्स को अफेक्ट करता है कोरोना, तो पहले जानते हैं कि लंग्स पे क्या क्या आफ्टर इफ़ेक्ट आपके हो सकते हैं कोरोना होने के बाद। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना होने के बाद निमोनिया होने का चांस ज़्यादा होता है, पर जो कोरोना में निमोनिया, जिस टाइप का निमोनिया होता है, वो आपके लंग्स के जो छोटे छोटे एल्वोलाई होते हैं उसे डैमेज कर देता है। और जब ये एल्वोलाई डैमेज हो जाते हैं, फिर जब हीलिंग होती है, जब आप कोरोना से ठीक हो रहे हो और आपकी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, तब आपके लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है, और ये फाइब्रोसिस की वजह से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बाद में हो सकती है। तो आपको इस ब्रीदिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए या फिर आपको अपने लंग्स को पूरी तरह से हील करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप लंग्स वाली एक्सरसाइज अच्छे से करें, फिजियोथेरेपी अच्छे से लें, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको नॉर्मल फंक्शनिंग अटेन करने के लिए। अब लंग्स के बाद बात करते हैं हार्ट की। जिन भी पेशेंट को कोरोना हुआ है, अगर उनका हार्ट अफेक्टेड है, तो अगर हम कुछ महीने बाद भी, जब वो रिकवर हो जाते हैं उसके बाद भी अगर हम उनके हार्ट की इमेजिंग करते हैं, तो ये देखा गया है कि हार्ट के मसल को कोरोना से अफेक्ट हुआ है या हार्ट के मसल में डैमेज हो चुका होता है, जो कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे कर सकता है, और इनकी वजह से हार्ट फेल्योर या फिर हार्ट के और भी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। हार्ट और लंग्स के बाद जो तीसरा ऑर्गन डैमेज होने का चांस होता है वो होता है ब्रेन। अगर कोरोना के दौरान आपके ब्रेन पे अफेक्ट होता है तो आपको सीजर्स आने के चांस हो सकते हैं, या फिर एपिलेप्सी या फिर अटैक आने के चांस हो सकते हैं, या फिर स्ट्रोक होने का भी चांस हो सकता है, और बहुत केसेस में जीबी सिंड्रोम, मतलब गुलेरिन-बेरी सिंड्रोम देखा गया। गुलेरिन-बेरी सिंड्रोम, जिसे हम जीबी सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसमें टेम्पररी पैरालिसिस हो सकता है आपके बॉडी का, प्लस आगे चल के आपको अल्जाइमर्स या फिर पार्किंसंस डिजीज़ होने का भी चांस होता है। इसीलिए कहते हैं कि कोरोना में टाइमली इलाज बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड वेसल के प्रॉब्लम की। तो ऐसा देखा गया है कि कोरोना होने के बाद आपके जो ब्लड होती हैं उसमें टेंडेंसी हो जाती है क्लॉट फॉर्मेशन की और एक साथ क्लंपिंग करने की, जिस वजह से कभी कभी ब्लड थिनर भी देने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर बड़ा क्लॉट बन जाता है तब तो वो आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है या फिर आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, बट उससे भी सीवियर होता है अगर छोटे क्लॉट हों जो कि बड़े क्लॉट से टूट करके आपके ब्लड वेसल में चले गए हों, तो वो छोटी छोटी कैपिलरीज जो हमारे हार्ट की होती है उसके अंदर जाकर उसको ब्लॉक कर देते हैं, और इन्फेक्शन जैसी चीज़ें आ सकती हैं जिसकी वजह से हमें हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है।
ये जो छोटा ब्लड क्लॉट है ये आपके हार्ट के साथ साथ आपके लंग्स में जा सकता है, आपके लेग्स में जा सकता है और कहीं भी जाके ये ब्लॉकेज कर सकता है। प्लस कई बार ये भी देखा गया है कि कोरोना होने के बाद जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो वीक हो जाती हैं और उसमें लीकिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। इस वजह से लीकिंग प्रॉब्लम होने की वजह से कई ऑर्गन हमारे लिवर या फिर किडनी ये भी अफेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है मूड या फिर फटीग प्रॉब्लम। अब क्योंकि कोरोना का जो रोड होता है वो बहुत टफ होता है, जिस स्पेशली जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी हो उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है, ये आईसीयू के चक्कर या फिर ऑक्सीजन का चक्कर या फिर जितने भी हेवी मशीनरीज हैं उनका यूज़ होना, इस तरह की चीज़ों को देख करके जब पेशेंट घर आता है तो ये जो पोस्ट कोविड जो ट्रॉमा होता है पेशेंट में वो बहुत सीवियर हो जाता है। तो कई पेशेंट जो होते हैं इससे डील नहीं कर पाते मेंटली और उनको फिर डिप्रेशन या फिर एनजाइटी वाली चीज़ें हो जाती हैं, जिसमें पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है इवन आफ्टर जब वो ठीक हो जाता है फिर भी। अब क्योंकि कोरोना का लॉन्ग टर्म जो सिम्टम्स है वो हम बहुत ज़्यादा स्टडी अभी नहीं कर पाए हैं, और क्योंकि कोरोना इज़ वेरी सिमिलर टू सार्स वायरस के इन्फेक्शन से, तो जो सार्स का लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है या फिर लॉन्ग टर्म आउटकम है वो साइंटिस्ट स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एक टर्म होता है जो यूज़ किया जाता है, जिसमें पेशेंट अगर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करे या फिर मेंटल एक्टिविटी करे तो वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेगा और रेस्ट करने के बाद भी ये थकान जाता नहीं है। ये चीज़ अज्यूम किया जाता है कि कोविड में भी देखा जा सकता है। अभी क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ नहीं है एंड मोस्ट ऑफ़ द रिसर्च आर गोइंग ऑन कि पेशेंट जब रिकवर करता है तो उसके साथ क्या क्या और प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो ये डॉक्टर्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आफ्टर कोरोना रिकवरी आप अपना फॉलोअप कराते रहिए और डॉक्टर्स ताकि आपको क्लोजली मॉनिटर कर सकें कि आपका सारा ऑर्गन फंक्शन कर रहा है ठीक से या नहीं फंक्शन कर रहा है। और क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि कोरोना का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, इसीलिए ये हमेशा कोशिश रहती है कि कोरोना कम से कम लोगों में फैले, और इसीलिए आपको अभी भी सलाह दी जाती है कि आप जो जितने भी प्रोटोकॉल हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइज़ करना, ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। तो ये छोटा सा वीडियो मेरा इसलिए था ताकि मैं कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं इन रिस्पेक्ट टू पोस्ट कोविड सिंड्रोम, और क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं डेंजरस भी होते हैं तो आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा, आई एम रेडी टू आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक यू।